दोस्तों, आपका एक लेवल एकेडमी में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक जो है नगर पालिका अधिनियम 2009 है। नगर पालिका अधिनियम 2009 है तो इसका हमने अध्याय एक देख लिया था प्रारंभिक। अब बात आती है अध्याय दो की। अध्याय दो के अंदर क्या है? अध्याय दो दो के अंदर दिया गया है कि नगर पालिका जो है उनका जो गठन और उनका जो शासन है उसके बारे में बात की गई है। क्या है? नगर पालिकाओं का गठन हुए शासन, उनमें शासन कैसे होता है? नगर जो पालिकाएं हैं, जो अपने नगर पालिका बोर्ड है, नगर परिषद है, नगर निगम है, इनका गठन कैसे होता है, इनमें शासन कैसे चलता है, वो चीजों की बात की गई है। अब ये जो है ये आपके धारा 50 से धारा 3 से लेके 50 तक है, ठीक। अब अपनी जो कंटिन्यू दो धाराएं अपने देख लिया था, अध्याय पहला प्रारंभिक देख लिया था, अब दूसरा जो है उसकी जो धारा 3 से शुरू हो गई, ठीक है। धारा तीन में है नगर पालिकाओं का प्रेसिमन, ठीक है। धारा तीन में है नगर पालिकाओं का प्रेसिमन। एक्चुअली प्रेसिमन क्या होता है? प्रेसिमन का वैसे तो मतलब होता है क्षेत्र निर्धारण। भारत सरकार के भी 4 प्रेसिमन आयोग आ गए हैं। भारत सरकार का जो प्रेसिमन आयोग होता है वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में वादियों के नहीं होता। उन्होंने जो रिपोर्ट देते हैं क्या करते हैं, वो विधायक और अपने जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनको डिक्लेयर करते हैं, सीमा निर्धारित करते हैं, वो प्रेसिमन। अब अपना जो नगर पालिकाएं जो है इनका प्रेसिमन कौन करवाता है? इनका राजस्थान सरकार प्रेसिमन करेगी। सरकार करेगी, वो क्या करेगी? या तो नए क्षेत्र बनाएगी, नए नगर पालिका बनाएगी, कोई यदि संक्रमणकालीन क्षेत्र है। संक्रमणकालीन का मतलब हो गया कि ये कह क्षेत्र है, कह है, और ये खह का क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है कस्बा टाइप में, ठीक है, कस्बा है, टाउन है, जो भी है, तो उसको क्या बना देगी? या तो नए नगर पालिका क्षेत्र कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। दूसरा काम क्या करेगी? ये दो नगर पालिकाएं हैं उनको एक जगह भी कर सकती है, दो नगर पालिकाओं को मिला सकती है। किसी नगर पालिका जो है उसको खत्म भी कर सकती है। कोई नगर पालिका क्षेत्र है उसको खत्म करके ग्रामीण क्षेत्र भी डिक्लेयर कर सकती है, ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र भी डिक्लेयर कर सकती है। ये सारे काम राज्य सरकार करेगी और ये अपनी अधिसूचना से वही है राजपत्र के अंदर निकालेगी। राजपत्र क्या है? समाचार पत्र, गजट जिसको बोलते हैं, सरकारी गजट होता है, कागज होता है, उसमें निकाल देती है, जो न्यूज पेपर में आ जाता है। राजपत्र में निकालेगी, अधिसूचना देगी, ठीक है। अधिसूचना अपने पेपर के अंदर निकाल के ये देगी। अब नए क्षेत्र बनाएगी, दो नगर पालिकाओं को मिला सकती है। अब दो नगर पालिकाओं को मिलाएगी ना तो क्या करेगी? उसमें एक में अध्यक्ष भी हैं, है ना, सदस्य भी हैं और उपाध्यक्ष भी है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? दूसरी जो नगर पालिका के अंदर जाएंगे ना उसके अंदर सदस्य बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे, ठीक है। ये सदस्य बन जाते हैं जो दो नगर पालिकाएं मिलाती हैं। तो जैसे मान लो एक कै को खै में मिला रही है, तो कै यदि इसमें जा रही है ना तो खै के ये सदस्य बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर खत्म भी कर रही है, आगे क्या कह रही है कि गांव जो है गांव को नगर पालिका बना रही है, नगर पालिका क्षेत्र बना रही है, या किसी क्षेत्र को नगर पालिका। तो ये सारे काम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी अधिसूचना में। अब ये जो क्षेत्र निर्धारित कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। ये क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण यह है कि जिला कलेक्टर जो होता है वो अपनी रिपोर्ट देगा राज्य सरकार को कि फलाना एरिया जो है वो ए नगर पालिका में होना चाहिए, दूसरा एरिया जो है वो बी में होना चाहिए। वो क्षेत्र निर्धारण कलेक्टर करता है। कलेक्टर की जो रिपोर्ट जाती है उसी के उसको राज्य राजपत्र में प्रकाशित कर देती है और वो क्षेत्र बन जाते हैं। अब बोला गया है कि इसके अंदर मात्र 6 माह में एक नियत दिन दिया गया है, इसमें नियत दिन। ये जो नियत दिन क्या होता है? जिस दिन या तो नई नगर पालिका बनी हो या उसका विघटन हुआ हो या एक जगह नगर पालिकाएं मिली हो उसको नियत दिन बोला गया, उसी दिन को नियत दिन बोला गया, ठीक है। अब ये जो नगर पालिका क्षेत्र है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि चुनाव जो होंगे वो 6 महीने के अंदर आपको करवाने पड़ेंगे।
चुनाव जो है, चुनाव नियत दिन के, चुनाव 6 माह में होने चाहिए, 6 माह के अंदर चुनाव होने चाहिए। यदि किसी ग्राम पंचायत को नगर बना रही है तो यहां पे क्या होता है कि राजस्थान पंचायती राज, पंचायती राज अधिनियम है अपना, कब है 1994 में, और भारत सरकार ने कब पास किया था इसको, पास 1992 में कर दिया था भारत सरकार ने, और लागू कब किया गया था 1993 को, अप्रैल 24 अप्रैल को, ठीक है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को भारत सरकार ने लागू किया था। उसी दिन को अपना पंचायती राज दिवस माना जाता है, भारत सरकार का पंचायती राज दिवस किसको माना जाता है, 24 अप्रैल 1993 को। अब राजस्थान ने इसको कब लागू किया था, राजस्थान ने 23 अप्रैल को किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू किया था। इसके अंदर बस यही है कि 6 माह के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और जो क्षेत्र का निर्धारण होगा वो आपके कलेक्टर साहब करेंगे, और राज्य सरकार जो है वो नए क्षेत्रों को बनाएगी, नई नगर पालिका बनाएगी, या नगर पालिकाओं को हटाएगी, या दो नगर पालिकाओं को आपस में मिलाएगी, या किसी गांव को नगर पालिका बनाएगी, वो सारा काम राज्य सरकार अपनी अधिसूचना में करेगा। धारा 4 में क्या दिया गया है कि नगर पालिका बोर्ड को, नगर पालिका बोर्ड को कुछ छूट दी गई है अधिनियम में, तो अधिनियम में छूट दी गई है, अधिनियम में छूट, और ये छूट क्यों कैसे दी गई है, जो नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त है, काम की नहीं है, या उनको नुकसान पहुंचाती है, जो छूट जो उसके लिए अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है। एक्चुअली क्या होता है कि नगर पालिका बोर्ड जो है उसके लिए अधिनियम में छूट दे रखी है, और वो अनुपयुक्त होना चाहिए, वो उसके काम की नहीं है, तो राज्य सरकार ने ये कह रखा है कि भाई जो उनके काम की नहीं है, जैसे कुछ टैक्स लगाने होते हैं, कुछ काम करने होते हैं, तो वो काम जो है उनके लिए राज्य सरकार जो है वो राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, ठीक है राजपत्र में अधिसूचना जारी करके वो अनुपयुक्त चीजें हैं उनके लिए छूट दे सकती है, बस ये आपका इसके अंदर दे रखा है, तो ये ज्यादा इतना है नहीं। अब आती है धारा नंबर 5, ठीक है इसमें आता है नगर पालिका की, पर नगर पालिका जो है पालिका की स्थापना, स्थापना और निगमन, निगमन हम दोनों शब्दों को देखेंगे, स्थापना, स्थापना के लिए बोला गया है कि पहला होगा वो नगर पालिका बोर्ड होगा, नगर पालिका बोर्ड, ठीक है दूसरा आपको पता ही है नगर परिषद होता है, नगर परिषद, तीसरा नगर निगम, नगर निगम, जैसे ग्राम पंचायत नहीं होता, ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद जिला पंचायत, वैसे ही ये है, ठीक है 3 भागों में बांटा गया है। अब ये नगर पालिका बोर्ड है, इसको बोला गया है कि ये संक्रमित क्षेत्र है, मतलब ए और बी दो गांव हैं, और इनके बीच में यो कोई, ये कोई नगर पालिका है या कोई गांव है, इनके बीच में संक्रमित क्षेत्र है, जो नगर पालिका की पूरी कंडीशन पूरी करती है उसको बोला गया संक्रमण क्षेत्र, तो इसको क्या बोला गया है संक्रमण क्षेत्र, ये संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमित क्षेत्र है। अब नगर परिषद जो है ये इससे बड़ी होती है, तो ये इसको बोला गया लघुतर, लघुतर नगरीय क्षेत्र, ये इससे बड़ा है, ये तो संक्रमण क्षेत्र है, आगे जाके लघुतर नगरीय क्षेत्र में बदलेगा, ये छोटा नगर है, ठीक है इसको लघुतर बोला गया, और इसको वृहत्तर बोल दिया, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, ये वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, ये बोला गया है पहली बात, तो ये बोला है। दूसरा बोला गया कि इनके पास अपनी एक मोहर होगी, क्यों ये जो आपकी स्थापना है, तो सबसे पहले ये जग क्षेत्र होंगे, उसमें नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम की स्थापना होगी, संक्रमण क्षेत्र नगर पालिका के लिए, संक्रमण, संक्रमण क्यों होता है कि वो संक्रमणकालीन होता है, आगे जाके ये बढ़ जाता है, ये छोटा होता है तो ये बड़े में बदल जाता है, ये इसलिए इसको संक्रमण, संक्रमण दो क्षेत्रों के बीच का है, कस्बा टाइप का, थोड़ा बड़ा हो गया था उसको नगर पालिका बना दिया। अब इसके पास मोहर होगी, इसके पास भी अपनी मोहर होगी, इसके पास भी मोहर होगी। अब यदि ये कोर्ट के अंदर जाएंगे तो वाद दायर जो करेंगे वो निगमन के नाम से करेंगे, निगम के नाम से करेंगे, वाद जो होंगे वाद निगमित होंगे। निगमित का क्या मतलब होता है, जैसे भारत सरकार या राज्य सरकार अपनी कोई अधिनियम पास करता है और उसमें रूल रेगुलेशन बनाता है,
या जैसे अपनी एमएनसी कंपनियां हैं, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हैं, तो वो वाद जो लेके आती हैं, जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा कि टाटा स्टील कंपनी भारत संघ इस टाइप का, तो ये वाद जो लेके आएंगी तो ये फलानी नगर पालिका वाद के नाम से लेके आएंगी, मतलब एक निगम के तौर पे, एक सरकारी कंपनी के तौर पे ये वाद लेके आएंगे, चाहे राजस्थान सरकार के खिलाफ लेके आओ चाहे किसी और बात के खिलाफ लेके आओ, तो ये जो वाद इनके दायर होंगे वो निगम के नाम से होंगे। अब एक इसके अंदर आती है कि औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी या औद्योगिक नगर जिसको बोलते हैं, ये औद्योगिक नगर है ना, ये कभी इन तीनों में नहीं आएंगे, न नगर पालिका बोर्ड में आएंगे, न नगर परिषद में आएंगे और न नगर निगम के अंदर आएंगे, ये राज्यपाल डिक्लेयर करेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, औद्योगिक नगरी जो है उसको डिक्लेयर राज्यपाल करता है और ये नगर पालिका बोर्ड या नगर पालिका के अंदर ये नहीं आते, ये अपना खुद का गठन करेंगी और खुद के कार्य, खुद का कार्य संचालन भी है ना, वो ही खुद ही करेंगे, इसमें नगर पालिका का कोई लेना देना नहीं होता। अगली छठी है नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना, एक्चुअली इसके अंदर पूरी संरचना नहीं दे रखी, क्योंकि कई जगह कम दे रखा है, कई जगह अक्षता बढ़ा के उसी में जोड़ दिया, जैसे आया वैसे चिपका दिया। अब ये नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना के अंदर दे रखा है कि वार्ड होगा, वार्ड, वार्ड क्या होगा आपको पता है, ये एक क्षेत्र होगा जिसके अंदर मतदाता रहते हो, तो ये यहां से वार्डों के अंदर क्या होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है, वार्ड जो है उसके अंदर प्रत्यक्ष चुनाव होगा और ये एक क्षेत्र होगा। अब कितने वार्ड होने चाहिए, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ध्यान रखना रिपीट हो सकता है, कितने वार्ड होंगे, तो बोला गया है कि 13 से कम वार्ड नहीं होंगे, मतलब कम से कम 13 वार्ड हो सकते हैं, 13 से कम वार्ड नहीं होंगे, चाहे वो नगर पालिका बोर्ड हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो। अब जो नगर पालिका की संरचना है दे दिया कि वार्ड होगा, 13 से कम वार्ड नहीं होंगे, आगे दे रखा है कि एमएलए है, यदि कोई नगर पालिका क्षेत्र ऐसी जगह आ रहा है जहां पे लोग, ये जो अपने राज्य विधानसभा का कोई सदस्य आता है तो एमएलए इसके अंदर आएगा, ठीक है, और ये मत भी देते हैं, मत देने का अधिकार होगा, ये प्रतिनिधि भी होंगे क्योंकि चुने हुए तो हैं, तो ये इन बोर्डों के, नगर पालिका बोर्ड चाहे उसमें नगर निगम आता हो, नगर परिषद आता हो या नगर पालिका बोर्ड आता हो, उसके प्रतिनिधि भी होंगे, मत देने का अधिकार भी होगा। अब राज्य सरकार जो है वो क्या कहती है, राज्य सरकार अपनी अधिसूचना से गजट में प्रकाशित करके वही बात रिपीट कर रखी है हर जगह, तो वही चीज है, राज्य सरकार जो है वो क्या करेगी, कुछ का मनोनीत करेगी, मनोनीत या जिसको नाम निर्दिष्ट बोलते हैं, नाम निर्दिष्ट या जिसको नामित बोलते हैं या इंग्लिश में जिसको नॉमिनेट बोलते हैं, वो सारी चीज इसमें आ जाएंगे। अब वो क्या करेगी, नगर पालिका के मामले में, नगर पालिका बोर्ड में, नगर पालिका बोर्ड में क्या करेगी, वो 6 सदस्य जो होंगे सदस्य उनको मनोनीत करेगी, नगर परिषद में, नगर परिषद में 8 सदस्य होंगे, ये क्वेश्चन भी उठाया हुआ है, ठीक है, और नगर निगम में, नगर निगम में 12 सदस्य होंगे, कि 6 सदस्य, 8 सदस्य और 12 सदस्य, इनका नॉमिनेशन राजस्थान सरकार करेगी, किसमें, नगर पालिका की संरचना के अंदर। आगे बोला गया है कि ये जो सदस्य हैं 6, 8 और 12, इनमें एक विकलांग सदस्य भी होना चाहिए, एक जो सदस्य है ना वो बोला गया है कि दिव्यांग सदस्य होना चाहिए, एक सदस्य दिव्यांग हो, तीनों के अंदर एक एक सदस्य दिव्यांग इसके अंदर लिया गया है। अब ये जो सदस्य नाम निर्दिष्ट सदस्य जो है इनके बारे में क्या बोला गया है कि ये मत नहीं देंगे, इनको मत देने का अधिकार नहीं होता, जबकि एमएलए को मत देने का अधिकार होता है, ये मत नहीं देंगे, राज्य सरकार कभी भी बुला सकती है, राज्य सरकार कभी भी हटा सकती है, हटा सकती है, ठीक है, इसमें राज्य सरकार कभी भी हटा सकती है। तो अगला आपने देख लिया था कि एमएलए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधायक बोलते हैं, ठीक है, वो वोट देंगे और इसके प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा का एमपी यदि कोई क्षेत्र के अंदर आ रहा है, उसके अंदर कोई नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद आ रही है, थोड़ा
थोड़ी बहुत आ रही है, पूरी आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, आना चाहिए बस, उसमें आंगली टिकाऊ जगह चाहिए। तो वहां पे लोकसभा का जो सांसद होगा वो मत देगा, उसका प्रतिनिधि होगा। 90 दिन के अंदर आपको गठन समितियां बनानी होंगी, आपकी जो नियत जो तारीख होती है उसके 90 दिन के अंदर आपको गठन समितियां बनानी होंगी। यदि ये आप गठन समितियां नहीं बनाती हो तो राज्य सरकार अपने पास अधिकार ले लेती है और फिर खुद बनाती है, जैसे अपने सीकर में हुआ था। फिर कहती है कि इसके अंदर एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण की बात करती है। एससी वहां की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में मिलेगा, एसटी वहां की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में मिलेगा। अब पूरे गांव पूरे सिटी के अंदर जो एक ही घर हो तो कैसे मिलेगा? वो लेवल होना चाहिए, जैसे जो अपनी राज्य सरकार और भारत सरकार आरक्षण दे रखे हैं, जो अनुच्छेद 334 में दे रखा है, आपको पता ही है 334 जो अनुच्छेद है वो आरक्षण का अनुच्छेद है। फिर इसमें महिला जो है बोला गया है कि महिला को सभी फॉर्मेट में 50% आरक्षण देना चाहिए, चाहे वो एससी की हो, एसटी की हो, जनरल की हो, किसी की भी हो, उसमें पुरुष और महिला दो डिवाइड कैटेगरियों में बांटना चाहिए। अब कहा गया है कि जहां एससी और एसटी का जो प्रतिशत है वो वहां की जनसंख्या से 50% कम है, वहां पे ओबीसी का आरक्षण होगा, और ओबीसी का जो आरक्षण संविधान में दे रखा है 334 के तहत, वो आरक्षण इसके अंदर मान्य होगा। अब कह रखा है कि महिला महिला सभी फॉर्मेट में 50% है, और ये जो आरक्षण है ना ये चक्रानुक्रम में होना चाहिए। चक्रानुक्रम कैसे है मैं समझाता हूं आपको। पहले एससी की सीट आ गई, अगली 5 साल बाद में एसटी को सीट देना पड़ेगा, उसके अगली 5 साल बाद में नेक्स्ट पीरियड के अंदर ओबीसी को देना पड़ेगा, उसके अगली 5 साल के अंदर आपको एससी मतलब जनरल को देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, फिर ये वापस चक्कर लगेगा यही, ठीक है, आगे फिर एससी का नंबर आ जाएगा, फिर एसटी का। अब इनके अंदर पहली बार यदि पुरुष का आ रहा है तो दूसरी बार महिला का देना चाहिए, महिला का होगा। यहां यदि महिला आ रहा है तो अगली बार पुरुष हो जाएगा, तो इस प्रकार से 50% आरक्षण भी पूरा हो जाएगा। और ये जो आपका चक्रानुक्रम का है, क्रम से चक्कर चलते जाए कि सबके पास सत्ता जानी चाहिए, सभी जातियों को सभी समुदाय को जो है वो सत्ता हासिल करने का या सत्ता चलाने का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कोई पिछड़ा ना रहे। अब साथ में दिया गया पदावधि, पदावधि पदावधि कितनी होनी चाहिए। पदावधि के अंदर बोला गया कि नियत तारीख, नियत तारीख जो अपनी नियत तारीख है, नियत तारीख क्या होगी, जो आदमी जीत कर आते हैं, जीतते ही पहली बैठक होगी, पहली बैठक जो होगी उसको नियत तारीख बोला गया। इससे 5 वर्ष तक होगी, 5 वर्ष तक। अब 5 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि जीतने की पहली तारीख पहली बैठक से लेकर नियत तारीख से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होगा। यदि विघटन हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो वो बीच में कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन 2 साल से पहले नहीं होगी, विघटन भी 2 साल के बाद में होगी। मान लो कोई नगर पालिका है, वो 2 साल 6 महीने बाद में क्या हुआ, उसका विघटन हुआ, तो अगली जो नगर पालिका बनेगी वो 5 साल के लिए बनेगी, अगले जो 5 साल के पीरियड में ही वो काउंट होगी, तो नेक्स्ट जो बनेगी वो भी 2 साल 6 माह के लिए बनेगी। ऐसा नहीं कि उसको 5 साल के लिए बना दिया, नहीं, अगली जो है उसको भी केवल बचे हुए टाइम के लिए बनाया जाता है, बचे हुए समय के लिए, ठीक है। ये समय, ये अपनी पदावधि होती है कि पदावधि का मतलब कितने दिन तक चलेगी, ये पदावधि 5 वर्ष तक धारण करेंगे, यदि बीच में विघटन हो जाती है तो उसके बाद नए चुनाव होंगे, और नए चुनाव जो होंगे उनका कार्यकाल कब तक चलेगा, जब तक ये 5 साल कंप्लीट नहीं होंगे। और हाँ, यदि वो 6 महीने, यदि 6 महीने ही बचे हैं, यदि 6 महीने ही बचे हैं, विघटन हो गई मान लो 4 साल 6 माह में, 4 वर्ष 6 माह के अंदर विघटित हो गई, तो बचे 6, तो उस टाइम पे राज्य निर्वाचन आयोग चाहेगा तो चुनाव करा सकता है, नहीं तो इतना मुसाफ क्योंकि खर्चा होगा 6 महीने के बाद में, तो नए का ही चुनाव करा देंगे तो 5 साल तक तो चलेगा कम से कम, इसलिए वहां पे चुनाव नहीं करवाए जाते। यदि 1 साल तक का भी समय रहता है तो राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति ली जाती है। अब 8 का है कि नगर पालिका जो शासन है, नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, नगर पालिका में निहित होना, तो एक्चुअली इसके अंदर देना तो सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन इसमें केवल ये दिया है कि नगर पालिका शासन का, नगर पालिका मतलब अध्यक्षों में, अध्यक्षों में निहित होना, कि अध्यक्ष हैं वो, उनके माध्यम से इनका शासन चलेगा। अब बात आती है नगर पालिका बोर्ड की, नगर पालिका
बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड का कौन होता है अध्यक्ष, क्या बोलते हैं उसको, अध्यक्ष बोलते हैं, ध्यान रखना ये चीज। नगर परिषद का, नगर परिषद इसको बोलते हैं सभापति, ठीक है, और नगर निगम, नगर निगम इसको तो आपको पता ही है महापौर बोलते हैं, ठीक है, महापौर बोलते हैं। अब क्या होता है, ये अध्यक्ष सभापति और महापौर इनके अध्यक्ष होंगे, इनका जो नगर पालिका होगा, जो शासन होगा, वो इन्हीं के माध्यम से चलेगा ये। अब सदस्य जो आते हैं, तो ये सदस्य हो गया, ये पार्षद हो गया, और ये निगम पार्षद हो गया। सदस्य जो होते हैं, ये सदस्य होता है, ये पार्षद होता है, निगम पार्षद, या इसको परिषद पार्षद भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, वार्डों का विभाजन, नंबर 9 में वार्डों का विभाजन, तो प्रत्येक नगर पालिकाओं को वार्डों में बांटा गया है, वार्ड में बांटा गया है। वार्ड कम से कम कितने होने चाहिए, 13 कम से कम होने चाहिए, ठीक है, 13 से कम नहीं होंगे, ठीक है। अब वार्ड का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, वहां का, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे मेंबर हो, सदस्य हो, वो वहां का प्रतिनिधित्व करेगा, और किस आधार पे करेगा, वो जनसंख्या के आधार पे करेगा, जनसंख्या के आधार पे, क्योंकि वोट कौन देगी, जनसंख्या। वार्ड तो एक क्षेत्र है जिसके अंदर जनसंख्या निवास करती है, और वो जनसंख्या जीत के अपने सदस्य को भेजती है। वार्डों के अंदर विभाजन होगा, 13 वार्ड कम से कम होंगे। अब आता है 10 में, वार्डों का अवधारण, अवधारण, वार्डों का अवधारण। सबसे पहले आता है आपका वार्ड, वार्ड का जो अवधारण होगा, वार्ड, वार्ड किस लिए बनाए गए हैं, निर्वाचन के लिए बनाए गए हैं, निर्वाचन के लिए, निर्वाचन के लिए राज्य सरकार ने क्या बनाए हैं, वार्ड बनाए गए हैं। अब इनकी आती है सीमा, सीमा जो क्षेत्र होता है, वो वार्डों की सीमा क्षेत्र भी जिला कलेक्टर डिक्लेयर कर देता है, और वो राज्य सरकार उसको फाइनल मान लेती है। अब आते हैं आरक्षित स्थान, आरक्षित स्थान, इसके अंदर क्या क्या लिया गया है, आरक्षित स्थान, आरक्षित के अंदर वही रिजर्व कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, ये चक्रानुक्रम से जो है पार्षद बनते जाएंगे, सदस्य बनते जाएंगे। अब बात आती है वार्ड स्वरूप, वार्ड स्वरूप क्या है, अवधारण, उसकी अवधारणा कैसे की गई है, अवधारणा में कई चीज आती है, वार्ड आ गया, सीमा आ गई, आरक्षित स्थान आ गया, और वार्ड शुरू आ गया। अभी जो आपका वार्ड जो शुरू होता है ना, ये कोई भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जो होती है, उसका उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है ना, उस कोने से इसको शुरू किया जाता है। पहला वार्ड कहाँ दिया जाएगा, पहला नंबर का वार्ड यदि देना है, शुरू करना है, तो वो कहाँ से करेंगे, नगर, नगर पालिका जो है ना, पालिका के उत्तर पश्चिमी कोने से, उत्तरी पश्चिमी कोने से, पश्चिमी कोने से शुरू करेंगे, ये बात कही गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया कि वार्ड को शुरू कहां से किया जाएगा, उत्तर पश्चिमी कोने से। ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये जो क्षेत्र है आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र, इससे शुरू किया जाएगा, ठीक। अब वार्डों का जो अवधारण है, उसमें एक चीज होता है, आती है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब ये होता है कि कोई दो वार्डों को एक जगह करना है, या अलग करना है, या कुछ भी वार्डों से संबंधित कोई भी संसूचना होती है, वो प्रतिलिपि में छपेगी, प्रतिलिपि में छपेगी, तो उसमें 7 दिन से ज्यादा टाइम का, 7 दिन से ज्यादा का समय दिया जाएगा, उसके ऊपर सोच विचार के लिए कितना समय दिया जाएगा, 7 दिन से ज्यादा का समय दिया जाएगा। धारा 11, धारा 11, 11 के अंदर क्या बोला गया है कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन बोला गया है, नगर पालिकाओं के लिए, पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अब आपको पता है कि राज्य के अंदर कौन चुनाव करवाएगा, चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, नगर पालिका के हो, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और ये कितने में आता है, अपन बोलते हैं कि वोट दियाई के, वोट दियायो के, तो 243 में तो है ये ग्राम पंचायत, और ये जो चुनाव है वो 243 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग आता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये निर्वाचन आयोग क्या करता है, राज्य निर्वाचन आयोग एक तो नामावली तैयार करता है, जनखें वोटर लिस्ट है, नामावली तैयार करता है, चुनाव करवाता है, चुनाव जो है करवाता है,
उसके ऊपर चुनाव पे नियंत्रण रखता है, उनका निर्देशन करता है, देखभाल करता है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। वो सारे जो कंट्रोल कार्य करेगा वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। अब इसके अंदर क्या आता है कि कर्मचारी कर्मचारी और चाहिए इनको चुनाव करवाने के लिए, तो कर्मचारी वृंद बोला गया है उनको, कि ये जो कर्मचारी वृंद है तो वो राज्य निर्वाचन आयोग को कौन दे देगा, अपनी राज्य सरकार दे देगी, चाहे वो मास्टर हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे और भी यदि कोई सरकारी संस्था है जो राज्य सरकार के अंडर में आ रही है, उनके किसी भी कर्मचारी अधिकारी को चुनाव के अंदर लगा देते हैं। और जब चुनाव में लगाएंगे ना तो वो अपने पद से तो खाली समझे जाएंगे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के वो अंडर में आ जाते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग जैसा कहेगी वही रूल रेगुलेशन चलेंगे, खुद के डिपार्टमेंट के उनके ऊपर रूल उस टाइम पे बंद हो जाते हैं। तो कर्मचारी वरन कौन देगा, राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार जो है वो अपने टीचर अवेलेबल कराएगी वोट करवाने के लिए, या फिर अपने पुलिस वाले अवेलेबल करवाएगी, कोई और अधिकारी गण है, एसडीएम है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो सारे अवेलेबल करवाती है। क्या होता है, धारा 12 में दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है ना 243 के अंदर, कि वोट दिया ही कि ये भूलना नहीं है भाई, ये हर जगह काम में आएगा 243 के। और यदि वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग की बात करता है तो वो 243 आई आई मतलब इनकम, ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे तक काम का बंटवारा करना, बांटना, ये आर एस मेंस के अंदर एक टॉपिक है प्रत्यायोजन। तो देखो कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग सरकार मिलके क्या कहेंगी, एक निर्वाचन उप निर्वाचन आयुक्त बनाएंगे, इसी के कंट्रोल के अंदर पूरा चुनाव करवाना होता है। यदि ये नहीं होगा तो, या जो उसका सचिव होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का जो सचिव होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का जो सचिव होगा, या तो उसका आयुक्त तो होगा, उपायुक्त होगा, और या उसका सचिव होगा, इन दोनों में से किसी एक को लगा देंगे ताकि वो चुनाव अच्छे तरीके से करवा सके। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली, नामावली कितने में तैयार करेंगे, 13 में। 13 में क्या करेंगे, नामावली तैयार करेंगे। नामावली तैयार कौन करेगा, निर्वाचन नामावली तैयार कौन करेगा, निर्वाचन रजिस्ट्रार अधिकारी जो होते हैं वो नामावली तैयार करते हैं। इनकी सहायता के लिए कौन होंगे, सहायक हो जाएंगे। यदि इनके सारे एक आदमी पूरा कर नहीं सकता, प्रत्यायोजन करना पड़ता है, कार्यों को बांटना पड़ता है, तो सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसकी सहायता करेंगे। तो रजिस्ट्रीकरण कौन करेगा, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे। तो अब बात कह रखा है कि योग्य कौन है, वोटर योग्य कौन है, तो योग्य आदमी योग्य कौन है, दे रखा है कि अरहत तारीख से, अरहत तारीख से 18 वर्ष पूर्ण कर लियो, कि 18 वर्ष से कम का आदमी तो वोट डाल ही नहीं सकता, 61वां संविधान संशोधन के अंदर ये बात कही गई है, ठीक है। अरहत तारीख, अरहत तारीख कौन सी होती है, कि जो साल होता है ना, जो वर्ष होता है उसकी 1 जनवरी मानी जाती है, जनवरी, ये ध्यान रख लेना भाई। पूछा जाता है कि अरहत तारीख क्या होता है, तो अरहत तारीख 1 जनवरी होती है। 18 साल पूर्ण कर लिया हो और मामूली तौर पे निवासी हो, मामूली तौर पर निवासी हो, निवासी अपन ने कल देखा था कि मामूली तौर का निवासी क्या होता है, जो किराया भाड़ा लेने के लिए आता है, लोकसभा सांसद, राज्यसभा विधायक, ये जो अपने विधायक होते हैं ये भी थोड़े दिन के लिए आते हैं, बाकी संसद वगैरह, दिल्ली वगैरह, जयपुर यही रहते हैं, तो ये मामूली तौर पे आते हैं, ठीक है। मामूली तौर का निवासी, ये तो उनकी योग्यता है, किसकी योग्यता, वार्ड का मेंबर बनने के लिए 18 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए और मामूली तौर का निवासी होना चाहिए। अब अयोग्य कौन है, अयोग्य, अयोग्य एक तो पागल है, पागल है, किसने बता दिया, कोर्ट ने कह दिया, कोई मान्य कोर्ट ने कह दिया कि फलाना आदमी पागल है। या इसके अंदर बोला गया है कि एक आदमी जो है, एक आदमी दो वार्डों का सदस्य नहीं होगा, एक आदमी जो दो वार्डों का, एक आदमी दो वार्डों में कैसे नाम लिख पाएगा। या फिर बोला गया है कि एक आदमी एक ही वार्ड में, एक आदमी एक ही वार्ड में दो बार थोड़ा नाम लिखाएगा। ये निर्वाचन नामावली वही है, वोटर लिस्ट है आपकी, ठीक है। वोटर लिस्ट के अंदर नाम कौन लिखेगा, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आते हैं, मास्टर वगैरह बनाते हैं उनको, वो आते हैं, ठीक है। वो आके देखते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए, कि 18 साल पूरी हो जानी चाहिए, मामूली तौर पे निवासी होना चाहिए। अयोग्य कौन होगा, जो या तो दो वार्डों के अंदर नाम लिखा रखा है तो दोनों जगह से नाम कट जाएगा, और यदि एक वार्ड के अंदर दो जगह नाम है तो भी नाम कट जाएगा।
अब आता है 14 का कि निर्वाचन नामावली जो है उसके अंदर अयोग्य कौन होगा या नाम लिखाने के लिए कौन अयोग्य होगा। तो निर्वाचन नामावली, नामावली में अर्हितताएं कि कौन आदमी अर्हित अर्हित है या अयोग्य है जिसका नाम निर्वाचन नामावली में नहीं लिखा जा सकता। पहला बोला गया है कि वह भारत का नागरिक नहीं हो, भारत का नागरिक नहीं हो। यदि कोई आदमी भारत का नागरिक नहीं है तो वो किसी वार्ड का सदस्य नहीं बन सकता। विकृत चित है, विकृत चित है या पागल टाइप में है जिसको किसी न्यायालय ने घोषित कर दिया हो, ठीक है। या फिर जो नंबर तीसरा है कि ये भारत का नागरिक हो, विकृत चित हो, और जो आपका ये नंबर तीन जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा कि भ्रष्ट आचरण का हो, भ्रष्ट आचरण का हो। जो ये भ्रष्ट आचरण के लोग होते हैं ये चुनाव आयोग के अंदर भ्रष्ट पाए गए हैं चुनाव के अंदर, विकृत चित्त का है, भ्रष्ट, वह भारत का नागरिक नहीं है, तो वो क्या होंगे निर्वाचन नामावली में उनका नाम नहीं होगा, नाम कट जाएगा। अब धारा 15 में आती है मिथ्या घोषणा, मिथ्या घोषणा, मिथ्या घोषणा मतलब झूठी खबर, ठीक है। मिथ्या घोषणा का मतलब झूठी खबर, मिथ्या घोषणा, मिथ्या घोषणा का मतलब क्या होता है झूठी खबर, झूठी खबर। यदि कोई आदमी अपना नामावली है, निर्वाचन नामावली है, निर्वाचन की जो नामावली है उसके अंदर अपना नाम झूठ बोल के कटवा रहा है या फिर जानबूझ के झूठ बोल रहा है या उसको पता है या फिर नहीं पता है, वो दोनों चलेंगे। यदि निर्वाचन नामावली के अंदर नाम नाम हटवा रहा है, नाम हटाना, नाम हटाना या जुड़वाना, या उसके कोई जांच परख करने के लिए अधिकारी आते हैं कि भाई मेरे घर में कितने सदस्य हैं, कोई सरकारी नौकरी है कि नहीं है, कोई पापा क्या करते हैं, माँ क्या करती है, यदि उनके बारे में कोई झूठी सूचनाएं देता है, घोषणाएं करता है, नामावली में नाम झूठ बोल के हटवा रहा है, जुड़वा रहा है, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, उसके लिए दोनों चीज की है, सजा भी की है, जुर्माना भी किया है। तो कारावास कितना है, कारावास 1 वर्ष तक का है, 1 वर्ष तक उसको कारावास मिलेगा और 2000 से लेके 5000 तक उसको क्या मिलेगा, जुर्माना मिलेगा। जुर्माना कितना लगेगा उसका, 2000 से लेकर 5000 तक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिथ्या घोषणा में जुर्माना कितना लगता है, तो 2000 से 5000 तक उसको जुर्माना लगेगा, अथवा दोनों हो सकते हैं, अथवा दोनों। अपन रेल में जाते हैं तो लिखा होता है ना कि यदि कारण जंजीर चैन की यदि उसकी चैन खींच ली जाती है ट्रेन की तो उसके अंदर 500 रुपये जुर्माना, 6 महीने की कैद अथवा दोनों। तो वो लाइन यहाँ लिखी गई है कि 12 महीने तक की कैद होगी और जुर्माना 2000 से 5000 तक का होगा। 16 के अंदर दे रखा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल में आते हैं। इनकी नियुक्ति क्या होती है, कैसे करते हैं, राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार, और एक निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है। ये दोनों अपने परामर्श से, दोनों के परामर्श से किसकी नियुक्ति होगी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति होगी। अब ये क्या करेंगे, कार्य क्या करेगा, कार्य वही है निर्वाचन नामावली तैयार करवाना, वोटर लिस्ट वगैरह देखना, कार्य क्षेत्र है उसका निरीक्षण करना, उसका निर्देशन करना, उन कार्यों को संचालन करना, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, वो सारी देखरेख जो ऊपर का कार्य करते हैं वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। 16 में हमने देखा था मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अब 17 के अंदर आता है जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी ये किसके अंडर में रह के कार्य करते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अंडर में रह के कार्य करते हैं। इनको भी कैसे नियुक्त करते हैं, ये राज्य सरकार है, ठीक है, इधर निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, आपस में परामर्श करके, परामर्श से क्या कर देते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रत्येक जिले में होते हैं, जिला है तो प्रत्येक जिले में होगा, और इनके बोलने बोला गया है कि एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं ये, अधिक भी हो सकते हैं। और ये काम क्या करेंगे,
काम जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनकी सहायता करेंगे और वो ही काम करेंगे, निरीक्षण है, नियंत्रण है, वोटर लिस्ट बनाना, ये सारे काम होते हैं। अब दे रखा है 18, 18 में दे रखा है कि स्थानीय अधिकारी जो हैं, अधिकारियों को कर्मचारी उपलब्ध कराना, कर्मचारी वरण जिसको बोला गया है, कर्मचारी वरण उपलब्ध कराना। पहला काम तो ये है कि कर्मचारी कौन उपलब्ध कराएगा, राज्य सरकार कराएगी। राज्य सरकार जो है वो क्या करेगी, कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। दूसरा, ये जो कर्मचारी जो होते हैं तो वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं, हमने देखा था राज्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राज्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अधिकारी, ठीक है, इनके अंडर में रिटर्निंग ऑफिसर दे देंगे, रिटर्निंग अधिकारी दे देंगे इनके अंडर के अंदर। फिर और जो छोटे अधिकारी है, थर्ड ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड टीचर है, वो सारे के सारे कौन अवेलेबल कराएगा, राज्य सरकार अवेलेबल करवाएगी। अब धारा 19 में कह रहा है कि अधिकारी और कर्मचारी जो होंगे वो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पे समझे जाएंगे, कि वो प्रतिनियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के डेपुटेशन पे समझे जाएंगे। कैसे समझे जाएंगे, जैसे मास्टर हैं, गुरुजी हैं, मास्टर हैं, वो किस में आते हैं, शिक्षा विभाग के अंदर में आएंगे, शिक्षा विभाग के अंदर में आते हैं। लेकिन जब मास्टरों की ड्यूटी चुनाव में लग जाएगी तो वो किसके अंडर में आएंगे, निर्वाचन आयोग के अंडर में आएंगे, वहां पे शिक्षा विभाग का नहीं चलेगा। तो वो किसकी प्रतिनियुक्ति पे, ऐसे ही कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, तो उन लोगों वो किस में आएंगे, पुलिस विभाग में आएंगे। लेकिन फिर आगे जाके यदि वो चुनाव में ड्यूटी लग रही है तो वो किसकी मानेंगे, इन अधिकारियों की मानेंगे। ये अधिकारी किसके अंडर में है, राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में है। तो ये सारा जो खेला होता है, जो इलेक्शन करवाने का पूरा काम होता है, वो पूरा का पूरा काम राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, और वो पावरफुल होता है, उसी की शक्तियां काम में आती हैं, और वो ही कार्यों का बंटवारा विभाजन सारा काम करता है, और वो ही उनकी देखरेख करता है, वही राज्य में या देश के अंदर केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। तो ये ही क्या करते हैं, देश के अंदर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराते हैं और लोकतंत्र के महत्व को बढ़ाते हैं। क्या 20 में क्या दे रखा है कि निर्वाचन नामावली जो है उसकी तैयारी करते हो आप, तो उसके अंदर कोई अधिकारी जो होते हैं, पदासीन पीठासीन अधिकारी होते हैं, वो गलती करते हैं, तो उनके लिए क्या दिया गया है, तो बोला गया है कि निर्वाचन नामावली, निर्वाचन नामावली की तैयारी, करते समय, निर्वाचन नामावली की तैयारी करते समय पदीय जो आपके पदीय कर्तव्य हैं, पदीय कर्तव्य जो है उनको भंग करना, बोला गया कि निर्वाचन नामावली की तैयारी करते समय पदीय कर्तव्य भंग हो जाते हैं। पदीय कर्तव्य, जो आदमी पद पे रहता है वो अपने कर्तव्य को भंग करता है, मतलब काम करने वाले कर्मचारी, आएंगे इसमें, और अधिकारी, यदि अधिकारी आपको पता है मिथ्या घोषणा देते हैं तो वो तो सामने वाले नागरिक देंगे, और ये जो पदीय कर्तव्यों का आनंद जो करेंगे वो अधिकारी, दोनों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अंदर कारावास दिया गया है, कारावास, ठीक है, कारावास जो है वो 2 माह से दो तीन माह से लेकर 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक का इसके अंदर कारावास दिया गया है। जो ये अपने जो कारावास है वो 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास दिया गया है। जुर्माना जो है, जुर्माना 1,000 से लेकर 2,000 का जुर्माना दिया गया है, जो जुर्माना जो है अपना वो 1,000 से लेकर 2,000 का जुर्माना दिया गया है। प्लस में दोनों भी हो सकते हैं, अब ये जो मामला पदीय कर्तव्य भंग कर रहे हैं तो ये मामला कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट जो होता है ना वो सीधा संज्ञान नहीं ले सकता इसमें। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी यदि कह देते हैं तो ये मामला कोर्ट में जाएगा, तो ही इसके ऊपर कोर्ट फैसला करेगा, डायरेक्ट कोर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो ये कोर्ट में कब जाएगा, जब जिला निर्वाचन अधिकारी, और राज्य निर्वाचन अधिकारी, इन दोनों के जो अधिकारी जो होंगे वो इस मामले की जांच के लिए कोर्ट में भेजेंगे, और कोर्ट में यदि
कोर्ट के अंदर भेजेंगे तो जांच के लिए क्या करेंगे, कोर्ट में भेजेंगे, और ये जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन अधिकारी के कहने पे ही कोर्ट इस मामले में इन्वॉल्व होगा, इस मामले की जांच करेगा। डायरेक्ट कोर्ट इस मामले में नहीं आ सकता। तो आज का अपना ये जो टॉपिक है, धारा 3 से लेकर 20 तक हमने कंप्लीट कर ली है, देख ली है किसमें क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया। बाय।